ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला अध्याय 10वां श्लोक संख्या 6। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस प्रकार से पीछे युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह के जाने के बाद एक राज्य चलाया। उस राज्य में कितनी सुख सुविधाएं थी, प्राकृतिक संपदाएं थी, नदियों में पानी था, पेड़ों में फल थे, बरसात उतनी ही होती थी जितनी आवश्यकता थी, सारे पर्वत, सारे जल, लताएं, जंगल, समुद्र, नदियां, सब कुछ प्रचुर मात्रा में जो भी मनुष्य को आवश्यकताएँ हैं, जीवों को आवश्यकताएँ हैं, वो प्रदान कर रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सब लोग कृष्ण भावनामृत थे। इसलिए हम कहते हैं कि पेड़ की जड़ में अगर पानी डालते हैं तो सारे पत्तों में नरिशमेंट चली जाती है। इसी प्रकार से क्योंकि सब लोग कृष्ण भावनामृत थे इसलिए सारा समाज बड़े सुचारू रूप से चल रहा था। समाज में क्रोध नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ध्यायता विषयान पुंसा नहीं था। उनकी जो चेतना थी वो इसमें थी कि कैसे कृष्ण को संतुष्ट किया जाए। उनकी चेतना इसमें नहीं थी कैसे मैं संतुष्ट हूँ, हाउ आई कैन सेटिस्फाई माई सेल्फ, वट्स इन इट फॉर मी, मैं कैसे, इसमें मेरे लिए क्या है, मुझे कैसे फ़ायदा होगा। तो ये सब नहीं था, इसलिए सम्मोह नहीं था, क्रोध नहीं था, बुद्धि सही थी, स्मरण शक्ति सही थी। तो ये हमने सुना, आज सुनते हैं आगे श्लोक संख्या 6 में। नाधयो व्याधया क्लेशा देव भूतात्महेतव अजात शत्राव भवन जंतुनाम रागी कहिचित। चूँकि राजा को कोई शत्रु न था, युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं था, अतएव सारे जीव किसी भी मानसिक समय मानसिक क्लेशों, रोगों और अत्यंत अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। दो, पहली बात तो ये कि राजा को कोई शत्रु ही नहीं था। राजा को कोई शत्रु क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे शत्रु अक्सर किसी न किसी कॉम्पिटिशन से, कंपेरिजन से ही होते हैं। एनवी क्यों आती है हमारे अंदर? हमने पहले भी डिस्कस किया, एनवी हमारे अंदर आती है इसलिए जब हम कंपेयर करते हैं, उसकी साड़ी मेरी साड़ी सफ़ेद कैसे, उसका टीवी मेरे टीवी से बेटर कैसे, उसका एलईडी मेरे टीवी मेरे एलईडी से बड़ा क्यों है, उसका घर मेरे घर से बड़ा क्यों है, उसका उसके पास इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ क्यों हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसे कुछ ना कुछ कंपैरिजंस हम लोग करते ही रहते हैं। कंपैरिजंस की वजह से हमेशा एक इन्फीरियॉरिटी या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा ही रहता है, जिसके कारण से बहुत सारे द्वेष हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं, क्लेश हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं। इसलिए हमारा कोई ना कोई शत्रु बन जाता है, कोई ना कोई मित्र बन जाता है, मित्र शत्रु में ही हम जीत रहते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं राजा का कोई शत्रु ही नहीं था क्योंकि उसके जीवन में कोई कंपैरिजन ही नहीं था, कोई कंपटीशन ही नहीं था। उसका जीवन का एक ही उद्देश्य था, तक कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए। अगर हमारा कंपैरिजन या कंपटीशन होता भी है तो अपने आप से ही होता है कि मैं अपनी सर्विसेज को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग विद समबडी एल्स हम अपने आप से कम्पीट करते हैं और अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हैं। और अच्छा करना है, और अच्छा सेवा करनी है, और अच्छी सेवा करनी है। तो इस प्रकार से हमारा कोई शत्रु ही नहीं है क्योंकि हमें किसी से होड़ है ही नहीं, हमें किसी रैट रेस में भागना ही नहीं है, तो कौन है हमारा शत्रु? और यदि हमें कोई दुख देता है तो हम यही सोचते हैं कि ये भगवान की कोई प्लानिंग है, मुझे प्यूरीफाई करने के लिए, मेरे अंदर टॉलरेंस डेवलप करने के लिए, मेरे अंदर फॉरगिवनेस डेवलप करने के लिए, मेरे अंदर ह्यूमिलिटी डेवलप करने के लिए, मेरे को ये दिखाने के लिए कि आई एम नॉट द कंट्रोलर, कंट्रोलर इज समबडी एल्स, ये दिखाने के लिए भगवान बड़ी कृपावश कुछ कुछ ऐसा करते रहते हैं। मुझे समझ में आता है आई एम नॉट द कंट्रोलर भाई, इट इज़ नॉट इन माई हैंड। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसका कोई शत्रु, तो राजा युधिष्ठिर कोई शत्रु नहीं था। अब जब उसका कोई शत्रु नहीं था, इस कारण यहाँ बता रहे हैं कि सारे जीव उसकी प्रजा के अंदर सभी प्रकार के मानसिक क्लेशों से मुक्त थे, रोगों से, अत्याधिक ताप और शीत से भी विचलित नहीं थे। दो बातें समझ में आती हैं, एक तो ये है कि यदि हम कंपैरिजन, कंपटीशन, इस तरह के घृणित कार्य नहीं करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो हम सारे मानसिक क्लेशों से दूर जाते हैं, रोगों से दूर जाते हैं। वास्तव में हमारे जीवन में रोग क्यों आता है, तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि बहुत सारे रोगों का एकमात्र कारण होता है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस के कारण बहुत सारे रोग हमें हो जाते हैं, तो इनको क्योंकि मेंटल स्ट्रेस रहता ही नहीं है, ये हर हाल में कृष्ण पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए कभी कहते हैं ना कि ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती, वो उसके हृदय में कभी लैमेंटेशन ही नहीं है कि हाय ऐसा क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, हाय मुझे ये क्यों नहीं मिला, काश ऐसा हो जाता। हाँ, कोई लैमेंटेशन नहीं है, जो हो गया वो भगवान की इच्छा थी, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, व्हाटएवर, आई हैव टू गो फॉरवर्ड इन सर्विंग कृष्ण।
इसलिए वो मुक्त थे। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि राजा मुक्त पुरुष था लेकिन फिर भी प्रजा सुखी थी। इसका कारण ये है कि यदि राजा ऐसा होता है तो राजा अपनी चेतना को अपनी प्रजा में डाल ही देता है, जैसे एक पिता एक गुरु अपनी चेतना को अपने गुरु शिष्यों में डाल देता है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पिता का, गुरु का, राजा का, क्योंकि यदि वो सही रास्ते पर चलेगा, यदि वो शुद्धतम होगा तो अपनी प्रजा को शुद्ध बना देगा। यदि कोई स्वयं पवित्र नहीं होगा, प्रभुपाद कहते हैं, तो वो अपने नीचे के लोगों को कभी सुखी नहीं बना सकता है, क्योंकि वो स्वयं पवित्र नहीं है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लीडर्स का, जो भी हम घर में हम सब लोग कोई ना कोई लीडर ही है। माँ भी लीडर है, पिता भी लीडर है, गुरु भी लीडर है, हम सब लीडर हैं अपनी अपनी जगह में। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने आप को इतना पवित्र करें कि हमारा कोई शत्रु ना हो और हमारा हृदय एकदम साफ हो। और इसी प्रकार से हमारे बच्चों को भी हम ही सिखाएं। कभी बच्चा बोले पापा उसने टांग खींच दी थी, पापा उसने ये मार दिया, तो हम उसको बदले में ये ना सिखाएं, जा बेटा मैं तेरे को सिखाऊंगा कैसे मारा जाता है। हम उसको यही सिखाएं, वट एवर इज हैपनिंग, जो भी होता है संसार में वो कृष्ण की कृपा से होता है, इच्छा से होता है, इसके पीछे उनका कुछ विशेष प्रयोजन होता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, सभी लोग मानसिक क्लेशों से, अत्यधिक ताप शीत हर चीज से मुक्त हो जाएंगे। क्यों होंगे, ताप और शीत क्यों मिलते हैं हमें, इतनी गर्मी, हमें इतनी सर्दी, अभी हम सुन रहे हैं यूरोप में बाढ़ आ गई, हम सुन रहे हैं कहीं पर इतनी गर्मी आ रही है, वहां मैंने पढ़ा गर्मी से कुछ लोग मर गए विदेशों में, कुछ लोग बाढ़ से मर गए, बताइए। यहाँ तो मरते ही थे, हर जगह ही मर रहे हैं। तो ये हमारे जीवन में ये सब क्यों आता है, ये सब हमारे जीवन में हमारे कर्मों का फल आता है। ये कर्म हम क्यों पैदा करते हैं, किसी से शत्रुता पैदा करके, द्वेष पैदा करके, हम गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, गलत कार्य करते हैं, हमारे कुछ कर्म इकट्ठे होते हैं, इसी कारण से हमें कुछ रिएक्शन मिलते हैं। जब बहुत सारे लोगों का एक जैसा कर्म होता है तो उनको एक जैसी जगह में रहने को, पैदा होने को दिया जाता है, ताकि उनके ऊपर एक जैसा, हाँ किसी जगह में बहुत गर्मी है, माना किसी जगह बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, किसी कुछ ही प्रकार के लोगों को वहाँ पे कष्ट देना है उनके कर्मों की वजह से, तो वहीं पर पैदा होते हैं एक साथ। इसी कारण से हम किसी एक विशेष जगह में पैदा होते हैं, विशेष कास्ट में पैदा होते हैं, ये सब कर्म के एक्ट कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिएक्शंस के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि राजा ही ऐसे थे, राजा के इतना धैर्य था। आगे सुनते हैं, उषित्वा हस्तिनापुरे मासान कतिपयान हरि सुहृदाम च विशोकाय स्वशुश्र प्रिय काम्यया। श्रीहरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में ही रहे। तो श्रीहरि आप जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने उनको पहले रोक लिया था, वो जाना चाहते थे, बड़ा आग्रह किया था युद्ध समाप्त होने के बाद। तो युधिष्ठिर महाराज के कहने पर, भीष्मदेव का भी प्रवचन होना था, इन सब के रहते वो कुछ महीने के लिए वहाँ रुक गए थे। हाँ, तो उन्होंने रुकना डिसाइड किया, उसका एक कारण और था, अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रुके। आप जानते हैं कि सुभद्रा जो है उनका एकमात्र पुत्र जो है अभिमन्यु, हाँ वो किस प्रकार से सुभद्रा का जो पुत्र है वो तो अभिमन्यु मारा गया था, लेकिन अभिमन्यु का जो पुत्र है वो परीक्षित महाराज किसी मतलब भगवान की कृपा से जीवित रह गए। तो सुभद्रा के ऊपर बहुत बड़ा एक तरह का एक आपदा थी कि इस प्रकार से अभिमन्यु उनका पुत्र मारा गया, तो उसके लिए भी भगवान ने डिसाइड किया कि उसके लिए कुछ दिन मैं वहाँ पर रहूँगा तो थोड़ा शांत रहेगी, तो उसको प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में ही रहे। फिर आमंत्रय चाभ्यनुज्ञात परिश्व ज्याभिवाद्यतम आरुरोह सथम कैश्चित परिश्वक्तो अभिवादितः। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी कि अब समय हो गया है राजा जी, आपने बोला था रुकने को, मैं कुछ समय रुक गया हूँ, अब मुझे चलना चाहिए, आगे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो राजा ने युधिष्ठिर महाराज ने अनुमति दे दी। हाँ, वास्तव में भगवान को किसी से अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रेम संबंध है, प्रेम संबंध में हम कहते हैं ना अब हम चलते हैं, कृपया हमें जाने दीजिए, और कोई पकड़ थोड़ी रखा है चेन से, तो हम फिर भी कहते हैं हमें आप जाने दीजिए, तो कहते हैं अच्छा जरूर जाइए, नहीं तो हम कहते नहीं आपको नहीं जाने देंगे, वो भी हम प्रेम से ही कहते हैं कि आपको नहीं जाने देंगे। तो राजा ने अनुमति दे दी क्योंकि राजा ने एक बार अपना ये है ना ये यूज़ कर ली थी, राइट को यूज़ कर लिया था कि हम आपको नहीं जाने देंगे, बार बार तो यूज़ नहीं कर सकते ना, तो इसलिए राजा ने अनुमति दे दी। तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों के नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उन्हें को गले लगा लिया। देखिए इसको कहते हैं चरित्र, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज संसारिक रूप से उनसे बड़े थे, बड़े भाई थे,
तो युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि ये तीनों लोगों के भगवान हैं, मालिक हैं, कंट्रोलर हैं, लेकिन फिर भी उनका जो प्रेम संबंध था वो ऐसा था कि उसके रहते ऐसा प्रभुपाद भी प्रपट में बोलते हैं कि भगवान को बड़ा अच्छा लगता है जब कभी भक्त लोग प्रेमवश भगवान को अपने से नीचा मानते हैं। कुछ तो दुष्ट हैं दुर्योधन जैसे जो भगवान को नीचा ही मानते हैं, लेकिन कई बार प्रेमवश हम कई बार नीचा, जैसे कि कई बार माता, जैसे कोई बेटा है, समझने का प्रयास कीजिए, कोई बच्चा है, अब बच्चा माना भारत का प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है, वो अपने घर जाता है और घर जाके जो है माँ जो है आती है और माँ साथ में कुछ दो चार नौकर को लाती है और हाथ माँ के ऐसे कांप रहे हैं, बेटा दूध पिएगा, दूध पिएगा, दूध पिएगा, हाँ वो कहता है दूध पीने से पहले पहले इसको गार्ड को चेक करो, गार्ड से चेक कराओ इसमें क्या मिला हुआ है, तो बताइए क्या आनंद आएगा किसी को, उस बेटे को जो प्रधानमंत्री बन चुका है फिर भी उसको माँ का प्यार तो चाहिए ना, क्या वो माँ के आगे झुक नहीं जाएगा, माँ को प्रणाम नहीं करेगा, माँ को गले नहीं लगाएगा, है ना, अगर वो माँ के साथ प्रधानमंत्री जैसा सलूक करेगा तो वो ज़्यादा दिन रहने को उसको खोखलापन महसूस होगा थोड़े दिनों में खुद ही, क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है, हाँ, और ये हमने भगवान से ही सीखा है और भगवान भी इसी तरह चाहते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री ओहदे में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है, संसार में हर तरह से बड़ा है, लेकिन फिर भी वो माँ के आगे जाके झुक जाएगा क्योंकि उसको उस प्रेम को चाहता है। उसी तरह से भगवान भी बड़ा प्रसन्नता महसूस करते हैं जब उनके शुद्ध भक्त, ये केवल शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं, जब उनके शुद्ध भक्त प्रेमवश उनको अपने से नीचा मानते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको पैर छूने दिए, हाँ, उस प्रकार से वो प्रेम संबंध। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो निर्विशेषवादी हैं ये प्रेम संबंधों को नहीं समझ पाएंगे, ये सब चीज़ें कोई निर्विशेषवादी कभी नहीं समझ पाएगा, है ना। फिर वो कहते हैं ना कि वो भगवान को मनुष्य समझते हैं, कहते हैं ये तो कोई साधारण मनुष्य है, देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए पैर छू रहे हैं, कौन जाने साधारण मनुष्य हैं क्या है। जैसे कि पार्वती, कई बार पार्वती ने राम जी को एक साधारण मनुष्य सोच लिया कि अपने पत्नी के विरह में रो रहा है, ये कैसा मनुष्य है। और बाद में परीक्षा हुई तो पर उनको बड़ी शर्मनाक उनकी हार हुई पार्वती की। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते भगवान के इन रिश्तों को, हम बड़े महान भगवत भक्त जो होते हैं वही हमें समझाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पैर छुए उनके और राजा ने उनको गले से लगा लिया, इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने और नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हो गए। तो रिश्तों के अनुसार कुछ गले मिले, कुछ ने पैर भगवान के छुए, कुछ केस में भगवान ने पैर छुए, और इस प्रकार से बहुत ही अच्छा सा एक माहौल था, सुंदर माहौल था। जिस परिवार को हम इस संसार में देखते हैं वैसा ही परिवार भगवान के आध्यात्मिक जगत में है, बल्कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में जैसे परिवार है वैसा ही काइंड ऑफ परिवार इस संसार में बनाया गया है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि संसार में जो रिश्ते हैं ये थोड़ी देर के लिए बनते हैं, हमें दुख भी देते हैं, चले जाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन उस संसार के रिश्ते परमानेंटली रहते हैं और इस रिश्तों में वही नोक झोंक, और उस रिश्तों में ये कहानियाँ नहीं रहती हैं, दो रोटी कमाने के लिए आपको पूरे दिन के लिए बाहर निकलना है, कष्ट झेलने हैं, गालियाँ सुननी हैं। हाँ, आप देखते हैं कि जब शादी ब्याह होता है तो सब रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं तो कितना हंसी मजाक कितना कुछ होता है, लेकिन अगेन शादी ब्याह में भी कई सारी त्रुटियां हैं, कई सारी करप्शन है हमारे हृदय में। मेरे लिए क्या है माँ, हाँ भाई की शादी हो रही है, लड़की वालों ने मेरे लिए क्या दिया है, अच्छा मेरे लिए केवल एक साड़ी पकड़ा दी, मैं तो सोच रही थी कानों की झुमकियां पहनाएंगी, तो माहौल थोड़ी देर में गंदा हो जाता है। मिलते तो हैं शादी के माहौल में अच्छा व्यवहार करने के लिए, हमने देखा है थोड़ी देर में ही माहौल इतना गंदा हो जाता है, उसने ये नहीं दिया, उसने वो नहीं दिया, सब बेकार। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि गोलोक में जो रिश्ते हैं वो बड़े प्योर हैं। अब सोचिए ये रिश्ते जब कभी कभी हमने देखा होगा या बचपन में हमने देखा होगा, जब हम छोटे थे तब ये रिश्तों में बड़ा मज़ा था, अब सब बड़े हो गए तो सब में लालच आ गया तो रिश्तों में खटास आ गई है, लेकिन वो रिश्ते जब कभी अच्छे हुआ करते थे वैसे रिश्ते सोचिए उस प्योरिटी में गोलोक धाम में हमेशा ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने किसी के पैर छुए, कोई भगवान के पैर छू रहा है, सब चल रहा है वहाँ पर जो हमारे बीच में होता है, लेकिन प्योर फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में चल रहा है, इसलिए उसका आनंद ही कुछ और है। आगे क्या होता है, सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गंधार गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सो सुगोतमो यमो वृकोधरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादया नासे हिरेम विमुहंतो विरहम शांघनव गन्वहनः। उस समय सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा गांधारी धृतराष्ट्र युयुत्सो कृपाचार्य नकुल सहदेव भीमसेन धौम्य तथा सत्यवती
सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग उन सब पाना उन सबों के लिए असंभव था। तो ये मेनली कुछ उनमें से उन लोगों के नाम है जो युद्ध में बचे, कुछ तो स्त्रियां थी, तो स्त्रियों के अलावा भी कुछ नाम आ रहे हैं, यानी कि ये सब लोग युद्ध में बची गए थे, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, भीम वगैरह, पांडव तो थे ही। तो जब भगवान ने जाने के बाद डिसाइड किया, राजा ने अनुमति दे दी, तो सब लोग मूर्छित जैसे हो गए, क्योंकि उसका वियोग जो है वो सहना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। ऐसा बताते हैं कि जो कोई भी भगवान से थोड़ी देर भी उनसे सानिध्य प्राप्त कर लेता है, वो उन्हें छोड़ नहीं सकता है। हाँ, अब देखते हैं कि कई बार कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जो एकदम से खुशियां भर देता है, जिससे 5 मिनट भी उसके साथ बैठ लेते हैं तो आनंद सा जाता है। वो व्यक्ति जब हमसे दूर जाता है तो हमें बड़ा असर लगता है, कहाँ जा रहा है। अब सोचिए भगवान के अंदर कितनी माधुरी है, अब वो किसी के साथ संग दे दें तो कोई कैसे उनको छोड़ सकता है। तो इसी से प्रभुपाद कहते हैं, सोचिए राधा रानी किस प्रकार भगवान के वियोग में रहती होगी। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये सारे एकदम मूर्छित से होने लगे। फिर क्या हुआ, सत्संगान मुक्तदु संगो हातुम नोत सहते बुधा कीर्तयमानम यशो यस्य सकृदाकर्ण्य रोचनम तस्मिन् यत्तदीय पार्थास्य से सहेरन विरहम कथम दर्शन स्पर्श संलापश यनासन भोजने। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है, वह बुद्धिमान, वो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है। यानी कि यदि भगवान की संगति को समझना है तो शुद्ध भक्तों के साथ ही समझा जा सकता है, अदरवाइज आप भगवान को नहीं समझ सकते। भक्तों का संग अनिवार्य है, और वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो परमेश्वर को समझ जाए और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, संसार की संसारी लोगों से उसने अपने आप को दूर कर लिया है। वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं, वो हर एक मौके की तलाश करेगा जहाँ भगवान के यश को सुनाया जा रहा है शुद्ध भक्तों द्वारा, केवल वहीं पर जाएगा। हाँ, किसी कथा में नहीं जाएगा सुनने, जहाँ कथाकार का पता ही नहीं, आता पता ही नहीं है, उसने अपना व्यवसाय बना लिया कहने को। शुद्ध भक्त भगवान की कथा इसलिए नहीं कहते कि उन्हें कुछ नोट मिलेंगे, क्योंकि उन्हें कथा कहने में आनंद आता है। हाँ, और यही वो आनंद इसलिए कहते हैं कि यदि कथाकार की क्लास में 2 लड़के भी हों, 1 व्यक्ति भी हो, दीवारें भी हों, तो भक्ति सिद्धांत कहते थे दीवारों से कहो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हम कृष्ण कथा कह रहे हैं, हमें आनंद आ रहा है, हाउ डज इट मैटर कि कितने लोग सुनने आए हैं, कितने लोग सुनने नहीं आए हैं। तो वो ऐसे व्यक्तियों से सुनने से चूकेगा नहीं, कौन, जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों ना सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग में कैसे रह सके। यहाँ बता रहे हैं कि वो व्यक्ति भी भगवान से चूकेगा नहीं जिसने एक बार भी सुन लिया है शुद्ध भक्त से। पांडव के बारे में क्या कहें, क्योंकि वे तो घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे भगवान से, वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बात करते थे, उनके साथ सोते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, वो भगवान को कैसे छोड़ सकते थे। हाँ, जो ऐसे पांडवों के सामने इतनी विकट समस्या आई, इसलिए हमने सुना था रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के चर्चा में कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, संसार में सबसे बड़ा दुख है भक्तों से दूर जाना, क्योंकि भक्तों के बीच में ही कृष्ण चर्चा होती है जो कि हमारे हृदय को असली संतोष प्रदान करता है। ठीक है, तो हमें इसके लिए इसको बड़ा बड़ा ढंग से संभाल के रखना चाहिए, इन रिश्तों को जो हमें मिले, भक्ति के रिश्ते, भक्तों के रिश्ते, इनको हमें बड़ा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यही हमें असली संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। आगे सुनेंगे कि कैसे पांडवों ने इसको सहन किया, कि आगे भगवान ने क्या किया। भागवत की शुरुआत हो चुकी है, आगे बहुत कुछ होना है, ध्यान से सुनते रहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।